नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RK Train India में। और मित्रों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी विधि बताने जा रहा हूं जिसके लिए आप हमारे पास बार बार कॉल करते हैं, बार बार SMS करते हैं कि गुरुजी हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो, हमारे घर में कौन सी तंत्र बाधा है या हमारे शरीर में कौन सी प्रेत बाधा है, हमारे घर में कौन जादू टोना कर रहा है, कौन सा दुश्मन हमारे पीछे पड़ा हुआ है। इन सभी बातों के लिए आप हमारे पास बार बार कॉल करते हैं और SMS करते हैं। मित्रों, अगर इन सभी बातों का जवाब आपको घर बैठे एक छोटी सी क्रिया करके प्राप्त हो जाए तो कैसा रहेगा? तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको जो प्राचीन विधि बताने जा रहा हूं, इस विधि से सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में कौन जादू टोना कर रहा है, कौन सा दुश्मन आपके पीछे पड़ा है, कौन सी बाधा आपके घर में लगी हुई है। इन सभी बातों की जानकारी आपको क्षण मात्र में मिल जाएगी। मित्रों, यह क्रिया इतनी चमत्कारी क्रिया है और अभी प्रैक्टिकल की हुई क्रिया है। जब से कम 1.5 महीने से यह ट्रायल में चल रही थी और जैसे ही इसने काम करना शुरू कर दिया और वैसे ही इस विधि को हम आपके सामने प्रेषित करने जा रहे हैं। मित्रों, अभी हमारे कई प्रयोग ट्रायल में चल रहे हैं, जैसे कि काले तिल का है और भिलावा है, कौड़ी है, इनके कई ऐसे प्रयोग हम कर रहे हैं जिनसे कि हमको रिजल्ट मिलेगा, वैसे ही हम आपके सामने वो वीडियो लेकर के आ जाएंगे। लेकिन यह क्रिया एकदम फास्ट 100% रिजल्ट के साथ काम कर रही है। आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा दुश्मन हमारे पीछे पड़ा हुआ है, कौन सा शत्रु या तांत्रिक हमारे घर में जादू टोना कर रहा है, तो उससे आप आसानी से बच सकते हैं। सबसे पहले आप ऐसे लोगों को अपने नजर में रखिए जो कि आपके खिलाफ हैं, जो आपसे जलन की भावना रखते हैं, आपसे नफरत करते हैं, क्योंकि यह जादू टोना करने वाला व्यक्ति होगा वो सब इन्हीं में से होगा। बाहर के व्यक्ति को क्या पता आपको उससे क्या जलन है जो कि आपके ऊपर तंत्र बाधा छोड़ेगा। जो करेगा वो आपसे जलन रखने वाला, आपसे नफरत करने वाला, आपसे दुश्मनी मानने वाला। तो आप उसको नजर में रखिए और सर्वप्रथम इस क्रिया को करने से पहले यह विशेष ध्यान दें कि आपको उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक होगा। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो यह क्रिया काम नहीं करेगी। इतने फास्ट क्रिया है। अगर आपके घर में कोई जादू टोना कर रहा है, भूत प्रेत बाधा छोड़ रहा है, कोई दुश्मन आपके पीछे पड़ा है, तो मित्रों, और इस क्रिया से मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपके घर में से कोई भी सामान चोरी हो जाता है तो आप उसका नाम पता फोटो भी आसानी से देख करके पहचान सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा व्यक्ति हमारे घर से चोरी करके ले गया है। और इस क्रिया से अगर आपके घर से कोई भी व्यक्ति रूठ के चला गया है, चाहे वो बरसों पहले चला गया हो और अभी तक वापस लौट करके नहीं आया है, तो आप इस क्रिया से उसे भी पता लगा सकते हैं कि घर से भागा हुआ व्यक्ति कहां पे है और कौन सी दिशा में है। मित्रों, तो इन सभी बातों के लिए आप हमारे पास बार बार कॉल करके परेशान करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि ये काफी लोग इसके लिए परेशान रहते हैं, तो मैं एक ऐसी क्रिया दे दूं जिससे कि उनको आसानी से इन सभी बातों का जवाब घर बैठे मिल जाए। और मैंने पहले भी कहा था कि मित्रों, दो चीजों पर ज्यादा फोकस करिए। हमारे जितने भी छोटे मोटे तांत्रिक हैं, सबसे ज्यादा दो चीजों पर फोकस करिए। एक तो हमें सामने वाले का पता चल जाए कि इसके साथ क्या गुजर रहा है, इसके साथ क्या घटनाएं घट रही हैं, ये हमारे पास किस लिए आया है या इसके घर में क्या परेशानी है। इन सभी बातों का जवाब मिल जाएगा तो आप उनका समाधान बड़ी आसानी से कर पाएंगे। दूसरा, इन सभी समस्याओं का पता चलने के बाद इनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए दूसरी चीज प्राप्त कर लो, कोई शक्ति की साधना कर लो, उस शक्ति को अपने अंतर में लेके उससे उसका समाधान कर दो। तो आज मैं आपको उन दो चीजों पर ही फोकस करवाऊंगा। ये सब पता करने के लिए तो मैं आज की क्रिया आपको बता ही दे रहा हूं, फिर इसका समाधान करने के लिए एक ऐसी परफेक्ट साधना लेके आऊंगा जो कि आपका 100% काम करेगी और इन सभी समस्याओं का समाधान करेगी। तो मित्रों, सबसे पहले यह जान लो कि इस क्रिया को करने के लिए आपको क्या करना है।
किसी भी शनिवार के दिन या सोमवार के दिन नहा धोकर के बिल्कुल फ्रेश हो जाएं और रात्रि के सोते समय आप इस क्रिया को करेंगे। आपको करना क्या है, आपको एक लोटा जल लेना है, एक लोटा जल भर के और उसमें तीन अगरबत्ती ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम की लगा देनी है और उसमें एक कोई फूल मिल जाए तो फूल डाल दें, थोड़ा सा मीठा भी डाल सकते हैं और अपने इष्ट के नाम की एक लौंका जोड़ा उसमें डाल सकते हैं। अब मित्रों, आप उन लोगों पर जिन पर शक करते हैं, जो आपके खिलाफ हैं, आपसे नफरत करते हैं, आपसे जलन की भावना रखते हैं, उन लोगों के एक छोटी सी पर्ची पर नाम लिख लें। आपके चार नाम हो, पांच नाम हो, दस नाम हो, जितने भी नाम हैं वो पर्ची पे नाम लिख करके और उस पर्ची को उसी लोटा के अंदर डाल दें, अगरबत्ती जलाकर उसी जल के अंदर खड़ी कर दें लोटा के अंदर। फिर हाथ जोड़ करके आप ब्रह्मा विष्णु महेश से रिक्वेस्ट करिए, क्योंकि मित्रों हमारे बीच इन तीनों का ही बोलबाला है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया है, विष्णु भगवान को जगत के पालनकर्ता माना गया है और शंकर भगवान को संहारकर्ता माना गया है और इन तीनों के अधीन ही हमारी जिंदगी चल रही है, हमारा जो जीवन है वो सब इन्हीं को समर्पित है। वैसे इनसे ऊपर भी तमाम चीजें हैं लेकिन हम इन सबके अधीन हैं। तो इन तीनों के जो आपके पास मंत्र हों, जैसे ब्रह्मा जी का मंत्र है ओम श्री ब्रह्मणे नमः, और भगवान विष्णु का जो आपके पास मंत्र हो, शंकर भगवान का जो भी मंत्र हो, जैसे कि ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का तीन तीन बार जाप करके लास्ट में जो तंत्र मंत्र की देवी है काली माता, उसका मंत्र आप जाप करेंगे ओम क्रीम कालिकाए नमः। इसका आप सात बार जाप करेंगे और माँ काली से आप रिक्वेस्ट करेंगे अपने इष्ट का नाम लेकर के यह क्रिया करें। माँ काली से रिक्वेस्ट करेंगे कि हे माँ काली तंत्र की देवी, मेरे घर में कौन जादू टोना कर रहा है, अगर इस पर्चे पर उसका नाम है तो मुझे उसे स्वप्न के माध्यम से दर्शा दे। आप किसी भी कार्य के लिए करते हैं तो आपको हर कार्य के बारे में पता चल जाएगा। रात्रि को 12 से 1 बजे के बीच में आपको सपना होगा और वो सपने में आपको वही व्यक्ति दिखाई देगा जो आपके पीछे पड़ा है, आपके घर में जादू टोना कर रहा है, आपको चैन से नहीं रहने दे रहा है या आपके किसी भी कार्य में बाधा डाल रहा है। वो व्यक्ति आपके सामने होगा, उसकी तस्वीर आपके नज़र के सामने होगी, उसका नाम भी आपको पता चल जाएगा, उसकी शक्ल देख करके उसे पहचान सकते हैं। मित्रों यह स्वप्न शास्त्र के अनुसार एक ऐसी प्राचीन विद्या है जिसके अनुसार आप इन सभी बातों का जवाब बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। आप किसी घर से रूठे हुए व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो पर्चे पर नाम लिखिए और इसी तरह से आप विधि करिए। इस विधि को करते समय आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जैसे ही लोटा में अगरबत्ती जला के खड़ी करेंगे तो आप जहां भी सोएंगे, अगर हो सके तो जमीन पर सो जाएं तो सबसे बेहतर होगा। अगर आप जमीन पर नहीं सो सकते हैं, चारपाई पर सोते हैं, बेड पर सोते हैं, तो आप उस लोटा जल को अपने सिरहाने यानी सिर की तरफ जमीन पर रख के और छोड़ना है मित्रों, और वहीं पर आपको सो जाना है, तभी आपको रात्रि को सपना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने ये क्रिया की और लोटा जल उठाया, अगरबत्ती उठाई और पूजा वाले स्थान पर रख दी या कहीं बाहर रख दी, जहां आप सोएंगे उसके सिरहाने सिर की तरफ रखना है, तभी आपको परफेक्ट रिजल्ट आएगा। मित्रों इस क्रिया को एक बार करके देखिए, ये 100% कारगर क्रिया है और 1-1.5 महीने के अंदर हमने इस क्रिया को हजारों लोगों पर प्रैक्टिकल करके दिखवाया है जिसका रिजल्ट 100% आया है। तो मित्रों एक बार इस क्रिया को करें और इसका पूरा पूरा लाभ लें। तो मैं आशा करता हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।